अब जेल भी जीता के साथ सेम टच करके देखते हैं जेल भी जीता, तो यहाँ को देखते हैं गाइस क्या ये अपनी मारुति इग्निस को खींच के लेके जा पाएगी या फिर नहीं। फुल थ्रॉटल मैंने अभी दे दिया है ट्रैक से स्लेज के अंदर, धीरे धीरे करके इसने खींचना चालू कर दिया। हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि बहुत ही पावरफुल आरसी कार्स के बीच में फाइट कराने के लिए आज हम लोग यही करने वाले। यहाँ पे देखो गाइस, मेरे पास तीन बहुत ही मोस्ट पावरफुल आरसी कार्स है। ये है जेएलबी चीता, ट्रैक्सेस स्लेज, आर्मा क्रेटोन 6S। आज कराएंगे इन तीनों के बीच में फाइट, देखेंगे इस तीनों में से आज कौन सी कार जीती है। चलो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ट्रैक्सेस स्लेज और आर्मा क्रेटोन का बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम साइज का है। जेएलबी चीता के बॉक्स का साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर आप ये कार्स को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो कोई भी आरसी कार को खरीद सकते हो। देखो बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पर इसके कुछ टूल्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा गियर भी मिल जाता है। तो अभी निकालते हैं कार को यहाँ से। ये देखो गाइस, कार को मैंने निकाल लिया है। कार सच में बहुत ज्यादा भारी भरकम है यार। इसका साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है, एकदम तगड़े साइज की कार है। पर ये है इसकी बैटरी, एक बैटरी 5200 mAh की है। ये कार के अंदर हम लोग सिंगल बैटरी भी डाल सकते हैं, डबल बैटरी भी डाल सकते हैं। रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट इसका काफी ज्यादा एडवांस होता है, यहाँ पे AB ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्पेक्ट्रम का रिमोट है। यहाँ पे तीन नॉब्स है कार को कंट्रोल करने के लिए। तो यार अभी अनबॉक्स करते हैं ट्रैक्सेस स्लेज को, तो देखते हैं आर्मा क्रेटोन 6S और ट्रैक्सेस स्लेज का साइज उतना ही है या फिर नहीं। यहाँ से मैं बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। इसका रिमोट थोड़ा सा मेरे को नॉर्मल लगता है यार क्रेटोन के मुकाबले में, क्योंकि देखो इसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर दो नॉब्स है, ऊपर की तरफ दो स्विचेस है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी आर्मा क्रेटोन के रिमोट से काफी ज्यादा सॉलिड है। तो अभी निकालते हैं हमारी ट्रैक्सेस स्लेज को। ये आ चुकी है बाहर ट्रैक्सेस स्लेज, इसके साथ कोई भी गियर वेयर नहीं मिलता है। यहाँ पे इसका एक टूल है इसके नट्स वगैरह ओपन करने के लिए। तो यार देखो मैंने इन तीनों को साइड बाय साइड रख दिया है। ऑलमोस्ट ट्रैक्सेस स्लेज और आर्मा क्रेटोन बिल्कुल सेम टू सेम साइज के हैं। इनके व्हील्स भी देखो यार बिल्कुल सेम टू सेम साइज के हैं, जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया गया है। अगर आप दूर से देखोगे ना पहचान नहीं सकोगे कौन सा आर्मा क्रेटोन है और कौन सी ट्रैक्सेस स्लेज है। पर इसके अंदर एक फर्क है गाइस, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको बहुत इजिली इस तरह से खोल सकते हैं। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी यार। इसके अंदर भी 5200 mAh के डबल बैटरी डाल दिया। तो अभी ओपन करते हैं आर्मा क्रेटोन को। इसके अंदर मेरे को ये दिक्कत लगती है, ये पिंस बार बार हटाने पड़ते हैं। इसकी मोटर के ऊपर भी फैन देखने को नहीं मिलता है और ट्रैक्सेस की मोटर के ऊपर भी फैन देखने को नहीं मिलता है। पर इसके अंदर एक चीज अच्छी है कि ऊपर हम लोग फैन फिट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पर इसके ऊपर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। पर इन दोनों के शॉक्स में से मेरे को आर्मा के जो शॉक्स है यार बहुत ज्यादा बेटर लग रहे हैं और ये बहुत ज्यादा रिजिड भी है। अभी पीछे से दोनों कार्स इस तरह की दिखाई देती हैं। इसका जो स्पॉइलर है बहुत ज्यादा बड़े साइज का दिया गया है। जेएलबी का साइज सच में यार इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा नजर आ जाता है, बाकी पावर भाई साहब एकदम गजब की। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो चलो गाइस फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखेंगे आज की फाइट में कौन सी कार जीतती है। लेट्स गो एंड फाइट। तो सबसे पहले मैं ट्रैक्सेस स्लेज को टेस्ट करूंगा। डुअल बैटरी डालने के बाद कार के अंदर पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एकदम से पलटने लग रही है। अगर मैं इसको धीरे चला रहा हूँ तो कार बहुत बढ़िया बहुत परफेक्ट तरीके से चल रही है। अब आर्मा क्रेटोन को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर भी डुअल बैटरी मैंने डाली है, पर इसकी कंट्रोलिंग देखो यार ट्रैक्सेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर है और इसके ब्रेक्स भी बहुत परफेक्टली लग जाते हैं। आज देखते हैं गाइस ट्रैक्सेस जीती है या फिर क्रेटोन जीती है। चलाते हैं जेएलबी चीता को। ये कार को मैं हाई स्पीड में भी चला रहा हूँ तो बिल्कुल भी पलट नहीं रही है, क्योंकि पीछे की तरफ व्हीली बार दिया गया। इसकी कंट्रोलिंग तो यार मेरे को आर्मा से भी और ट्रैक्सेस से भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो अब रेस कराते हैं जेएलबी चीता वर्सेस ट्रैक्सेस स्लेज के बीच में। आज देखते हैं क्या जेएलबी चीता ट्रैक्सेस को भी रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। अभी तक तो जेएलबी चीता ही आगे निकल रही थी, पर ट्रैक्सेस स्लेज की स्पीड धीरे धीरे से बढ़ने लगी। अब देखो यार ट्रैक्सेस स्लेज यहाँ पे डोमिनेट कर रही है और बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। इसकी स्पीड भाई साहब जेएलबी चीता से भी ज्यादा दी गई है। सच में यार इसकी स्पीड 160 तक आराम से जा रही है। क्लियरली आप देख सकते हो ये किस तरह से व्हीली करके अपने व्हील्स को एक्सटेंड करके आगे निकल चुकी है। क्लियरली यहाँ पर जेएलबी चीता को हरा के रख दिया है ट्रैक्सेस स्लेज ने रेस में। अब मैं रेस कराने वाला हूँ आर्मा क्रेटोन वर्सेस ट्रैक्सेस स्लेज के बीच में। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कार जीती है। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड में ट्रैक्सेस स्लेज यहाँ पे विनर मेरे को लग रही है। आर्मा क्रेटोन जस्ट इसके थोड़ा सा ही पीछे रह गई है। इस बार आर्मा क्रेटोन ने ट्रैक्सेस स्लेज को ओवरटेक कर दिया है। सेकंड राउंड में जीत चुकी है। थर्ड राउंड में वापस से ट्रैक्सेस स्लेज जीत चुकी है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। ट्रैक्सेस स्लेज आगे जा रही थी पर यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है यार। एक बार रिवर्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को लग रहा है गाइस ट्रैक्सेस स्लेज के अंदर कुछ तो टूटा
है भाई, देखो ट्रैक से स्लेज यहाँ पे विली मार के आगे जाने की कोशिश कर रही थी, पर आर्मा क्रेटोन ने इसको पीछे से बहुत ही जोर की टक्कर मारी है। ओ माय गॉड, कितनी बार रोल करते हुए जाकर देखो यार ये गिरी है। देखते हैं गाइस इसको आगे जाकर क्या हुआ है, ट्रैक से स्लेज को चलने लायक ये बची है या फिर नहीं। मेरे को नहीं लगता गाइस इसके अंदर कुछ भी टूटा है। देखो यार इतनी ज्यादा तगड़ी कार मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, सच में यार ट्रैक से स्लेज यहाँ पे विनर है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी देखो गाइस ये जीत चुकी है रेस को। जेल भी जीता रेस में तो हार चुकी थी, अब कराते हैं इन दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। जेल भी जीता ने ट्रैक से स्लेज को पूरी तरीके से ऊपर उठा लिया था और नीचे पटक के भी रख दिया है, पर ट्रैक्सेस भी कुछ कम है नहीं। देखो साथ में इसने जेल भी चीता को भी नीचे पटक के रख दिया है, दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, अब पता चलेगा दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। ट्रैक से स्लेज शुरुआत से ही डोमिनेट कर रही है यहाँ पे जेल भी चीता के ऊपर, बहुत खतरनाक तरीके से इसको एक घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पर अभी तक मैंने इसके अंदर फुल ट्रिगर भी नहीं दिया है यार। देखो ट्रैक से स्लेज ने पूरी तरीके से हालत खराब करके रखी है जेल भी चीता की। जेल भी चीता के अंदर तो मैंने फुल पावर दे रखी है, फिर भी जेल भी चीता इसको रोक नहीं पा रही है। क्लियरली यहाँ पर ट्रैक से स्लेज जीत चुकी है। जेल भी चीता ने इसके ऊपर कितनी ज्यादा मिट्टी फेंक रखी है, जेल भी चीता के ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिरी है। अब कराते हैं पुशबैक इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। ट्रैक से स्लेज आर्मा क्रेटोन को उठा के फेंकने की कोशिश कर रही थी, पर आर्मा क्रेटोन इसके ऊपर से जंप मार के निकल चुकी है। फर्स्ट राउंड तो टाई हो चुका है, अब देखते हैं सेकंड राउंड में कौन सी कार जीती है। यहाँ पे आर्मा क्रेटोन ने स्लेज को पलट के रख दिया है चुटकी बजाते ही। क्लियरली यहाँ पर आर्मा क्रेटोन विनर है पुशबैक में। ठीक है यार अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं रियल पावर दोनों में से कौन सी कार के अंदर है। आर्मा क्रेटोन और स्लेज दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट हो रही है। ट्रैक से स्लेज के व्हील्स एक बार कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से दोनों ने तूफान मचा रखा है। पर मेरे को लग रहा है गाइस ट्रैक से स्लेज यहाँ पे जीतने वाली है। आर्मा क्रेटोन धीरे धीरे करके ओवर हीट हो रही है, आर्मा क्रेटोन के अंदर पावर थोड़ी सी कम होने लगी है। मेरे को लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके ओवर हीट हो रही है और अचानक से ये कार बंद भी पड़ चुकी है। ट्रैक से स्लेज ने इसको पूरी तरीके से हरा के रख दिया है। टग ऑफ वॉर में सबसे पावरफुल कार है ट्रैक से स्लेज, यहाँ पे इसके ऊपर मिट्टी देखो भाई कितनी ज्यादा गिर चुकी है। ट्रैक से स्लेज ने आर्मा क्रेटोन की हालत खराब करके रखी है पूरी तरीके से। अब कराते हैं एकदम भयंकर वाला वेट पुल टेस्ट। आर्मा क्रेटोन के पीछे मैंने इग्निस कार को बांध दिया है, यहाँ से इसको न्यूट्रल कर देते हैं, हैंड ब्रेक भी मैंने हटा दिया है। देखते हैं गाइस आर्मा क्रेटोन इग्निस कार को खींच पाती है या नहीं। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो स्लो चला रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा। अब देखो यार इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके व्हील्स भी एक्सटेंड होकर बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, पर फिर भी इग्निस कार को ये यहाँ से हिला तक नहीं पा रही है। इसके व्हील्स अभी यहाँ पे घिसने लगे। अब जेल भी जीता के साथ सेम टच करके देखते हैं, जेल भी जीता तो यहाँ पे जंप करने लग रही है यार। ये कार के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये इग्निस कार को यहाँ से पुल करके लेके जा सके। तो अब फाइनल में टेस्ट करेंगे ट्रैक से स्लेज को, देखते हैं गाइस क्या ये अपनी मारुति इग्निस को खींच के लेके जा पाएगी या फिर नहीं। फुल थ्रॉटल मैंने अभी दे दिया है ट्रैक से स्लेज के अंदर, धीरे धीरे करके इसने खींचना चालू कर दिया है अपनी मारुति इग्निस को। और पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी इसको धक्का नहीं दे रहा है, सिर्फ अपनी ट्रैक से स्लेज इसको खींच के लेके जा रही है। ट्रैक से स्लेज भी ट्रैक से एक्स मैक्स जितनी ही पावरफुल है भाई साहब, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि ये कार इतनी ज्यादा पावरफुल है। अब करते हैं ट्यूबलाइट तोड़फोड़ टेस्ट। यहाँ पे तीन मोटे मोटे ट्यूबलाइट्स मैंने लगा दिए हैं, सबसे पहले ट्रैक से स्लेज को टेस्ट करते हैं। ट्रैक से स्लेज ने चुटकी बजाते ही तीनों ट्यूबलाइट्स का कचूमर बना के रख दिया है और ट्रैक से स्लेज के अंदर कुछ तो टूटा है मेरे को ऐसा लग रहा है। ओ नहीं यार बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इसका व्हील पूरी तरीके से कट चुका है ट्यूबलाइट लगने के कारण, व्हील के अंदर फोम भी दिया गया है गाइस। अब आर्मा क्रेटोन को भी टेस्ट करके देखते हैं, इसने भी बहुत आसानी से तीनों ट्यूबलाइट्स का कचूमर निकाल के रख दिया है। अब इसके व्हील्स टेस्ट करते हैं यार, मेरे को अभी से ही डर लगने लगा है, इसके व्हील्स को कुछ नहीं हुआ यार, इसके व्हील्स बहुत ज्यादा तगड़े हैं ट्रैक्सस के मुकाबले में। अब देखते हैं जेल भी जीता कितने ट्यूबलाइट्स को फोड़ पाती है। यहाँ पे जेल भी जीता ने जस्ट दो ही ट्यूबलाइट्स फोड़े हैं क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो चुकी थी, अगर हाइट बराबर होती तो ये एक ही झटके में तीनों ट्यूबलाइट्स को भी फोड़ देती। और इसके व्हील्स भी देखो बिल्कुल सही सलामत है, इसके व्हील्स के अंदर बिल्कुल भी कोई भी डैमेज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्लाइंबिंग टेस्ट करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा मैं क्लाइंब कराने वाला हूँ। देखते हैं गाइस ये फिसलन भरी मिट्टी के पहाड़ पे कौन सी कार सबसे पहले चढ़ पाती है। यहाँ पे ट्रैक से स्लेज और जेल भी जीता भिड़ चुके हैं और भाई साहब ये क्या हो गया यार, दोनों नीचे फिसल के आ चुके हैं और इसी बात का फायदा उठाकर क्रेटोन सबसे पहले आगे निकल गई है और ये परफेक्टली जंप मार के निकल चुकी है। सेकंड नंबर पर आई है हमारी जेल भी जीता और थर्ड नंबर पे आई है ट्रैक से स्लेज। ये तीनों ही कार्स के साथ मैंने ड्रिफ्ट टेस्ट भी करके देखा है, तीनों ही कार्स बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। तो यार गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये तीनों पावरफुल आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है सुरेंद्र, अमन, माधव, जीवन, प्रथमेश, शब्बीर, रमेश, साहिल, वासु, तौसीफ। थैंक यू दोस्तों नीचे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।